स्वागत है दोस्तों आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल सीखे में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा स्नेक वीडियो ऐप में जो कुछ डाउट मुझे पूछे गए हैं उनके सारे आंसर्स मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले इसे ऑन कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर ये इस तरह से ओपन हो जाता है, इसे पॉज करते हैं। तो इसे पॉज मैंने कर लिया। तो पहला डाउट पूछा गया था कि इसमें वीडियो अपलोड करते समय कुछ दिक्कत आती है, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं आया। देखिए मैं सामने करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप डायरेक्ट कैमरा से कर सकते हैं या फिर चूज़ अ फाइल होम कर सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट तो चूज़ होम फाइल से आप डायरेक्ट यहाँ पर ये आ जाएगा आपके सारे वीडियोज़, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आता है कैमरा। कैमरा में आपको देखिए क्या करना होगा, अलाउ स्नेक वीडियो टू टेक पिक्चर्स, तो इसे अलाउ कर देना है। और यहाँ साउंड, तो इसे ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन तो आपको देखने को मिलते हैं, तो मैं एक एक करके आपको सबके बारे में बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो नीचे आपको सबसे पहले दिखा देगा टाइमर का। तो आप यहाँ पर 11 सेकंड्स के लिए वीडियो बना सकते हैं या 57 सेकंड्स के लिए भी वीडियो बना सकते हैं, दो ऑप्शन दिए गए हैं। उसी के यहाँ पर फिल्टर आपका मिल जाता है। तो ये फिल्टर से आप बेसिकली कलर अभी फिल्टर कर सकते हैं, मीन्स आपको पता ही होगा। और यहाँ पर यहाँ फ्लैश ओपन करने का है, ऊपर में आप देख सकते हैं फ्लैश का ऑप्शन है, तो इससे आप फ्लैश भी कर सकते हैं। और यहाँ आपको फ्लिप मिल जाता है, इससे आप फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा कर सकते हैं टर्न। और यहाँ पर स्पीड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो स्पीड का ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इससे आप स्लो मोशन कर सकते हैं, फास्ट मोशन भी कर सकते हैं, बट बेसिकली यहाँ पर सारे लोग स्लो मोशन यूज़ करते हैं। तो अच्छी बात है आपको मिल जाता है कैमरा के ऐप में। उसी के बाद में आपको मिल जाता है टाइमर का ऑप्शन। तो टाइमर से आप टाइम लगा सकते हैं कि कितने सेकंड के बाद ये स्टार्ट होगा शूट मेरा। और ब्यूटी में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं अलग अलग तरह का ब्यूटी है, जिससे कि आप यहाँ पर यूज़ करके अपने फेस वगैरह को बहुत ज़्यादा अच्छा क्लियर बना सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपको एक और मिल जाता है म्यूज़िक का ऑप्शन। यहाँ पर से आप म्यूज़िक का यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियोज़ में। तो यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़िक आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। उसी के बगल में यहाँ पर एल्बम का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से भी आप चाहे तो वीडियो को अपलोड कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सारे चीज़ बता दी है, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सेम सा है। और यहाँ पर क्लिक करके आप इसे रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 57 सेकंड्स के लिए लगाया था, तो ये 57 सेकंड्स तक रिकॉर्ड होगा। अगर आप 11 सेकंड्स का लगाएंगे तो ये 11 सेकंड के बाद हो जाएगा आपका सेव। और उसके बाद बाकी सब तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। तो फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं। क्विट का ऑप्शन है। अब यहाँ पर पूछा गया था कि एक दूसरा क्वेश्चन कि प्रोफाइल में अपना नेम किस तरह चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने भी अपना प्रोफाइल में कुछ नहीं किया, तो चलिए आज करते हैं। तो यहाँ पर आपको एडिट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो एडिट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना होता है। तो यहाँ पर ये क्लिक हो चुका है। अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे फ़ोटो लगाना है अपने इस अकाउंट में, तो यहाँ पर सिंपली मैं DP पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर चेंज आपको दिखाई देगा, लिखा है चेंज, तो मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पर से आप टेक अ फोटो कर सकते हैं, कैमरा रोल, तो कैमरा रोल से यानी एल्बम से चूज़ करना होता फ़ोटो। तो चलिए यही लगा देते हैं पहले वाला जो भी है फ़ोटो। तो इस तरह ये सेट हो चुका है। तो अब इसे रिफ्रेश कर लेते हैं या फिर टिक मार्क पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर फ़ोटो सेव हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हो चुका है फ़ोटो यहाँ पर। एक और बात दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ DP मैंने लगा दिया, अब इसे आपको हटाना हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर DP हटाने का कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिया गया है आपको। डायरेक्ट यहाँ पर एक चीज़ दिखता है, वो है चेंज का ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर चेंज कर लेना है, फिर से यहाँ चेंज कर लेना है। चेंज में करने के बाद अब यहाँ कैमरा रोल दिख रहा होगा, टेक अप फोटो आपको दिख रहा होगा, इसे लीजिए। और यहाँ पर कोई सा भी आप ब्लैंक फ़ोटो ले ले एक, उसे लगा दें अपने DP पे। बस सिंपल सा यही है दोस्तों ट्रिक अपने फ़ोटो को हटाने का, क्योंकि इसमें कोई भी अपने DP को हटाने का सिस्टम नहीं दिया हुआ है, मीन्स दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो अब मैं DP हट चुका है, ये पूरा ब्लैक हो चुका है। तो अगर आपको अपना DP हटाना है तो आप इस तरह कर सकते हो, देख सकते हैं। अब यहाँ पर यूज़र नेम हमें आपको डालना होगा अपना नाम। तो अपना नाम आप डाल सकते हैं, जैसे मैं डालता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा इसे चेंज करते हैं, इसे पूरा इरेज करके अब यहाँ डालते हैं अपना नाम। तो यहाँ पर ये डाला चुका है नाम। और यहाँ पर ये आपका ID है, ID को आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं। जेंडर यहाँ पर दिखा गया, तो यहाँ पर कर देते हैं मेल। अबाउट मी, यहाँ पर आप कुछ भी XYZ जो आपका मन करे अपने बारे में लिख सकते हैं,
ठीक है दोस्तों, ये था कुछ बेसिक सेटिंग्स। और आपको यहाँ पर ऊपर में टिक मार्क दिख रहा होगा, यहाँ पर से आपको क्लिक करके सेव कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा नाम के आगे कुछ नंबर्स आ गए, क्योंकि ये डायरेक्ट नाम मेरा अवेलेबल नहीं था, मीन्स उपलब्ध नहीं था मेरा नाम डायरेक्ट सिर्फ चंदन पे। तो यहाँ पर चंदन 5281 ऑटोमेटिकली लग गया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहे तो फिर से जाके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपके सवालों के जवाब दे दिए। अगर अभी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बेफिक्र मुझे कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपको वीडियो बना के या फिर डायरेक्ट कमेंट पे आपको रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।